तो दोस्तों ये है हमारे पास आज बोट निर्वाणा नेबुला TWS ईयरबड्स और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज बोट निर्वाणा नेबुला ईयरबड्स, यानी कि बोट निर्वाणा नेबुला ईयरबड्स को यूज कैसे करते हैं, इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके टच कंट्रोल के क्या क्या फीचर्स है, इसमें डॉल्बी मोड को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, गेमिंग मोड को कैसे एनेबल और डिसेबल करते हैं एंड इसके ANC मोड को कैसे ऑन कर सकते हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बोट निर्वाणा नेबुला ईयरबड्स के फुल फीचर्स एंड डिटेल बताने वाला हूं कि कैसे आप सब इस ईयरबड को पूरा यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोट निर्वाणा नेबुला ईयरबड्स को चार्ज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप सबको सिर्फ इसके चार्जिंग केस को ही चार्ज करना होता है और चार्जिंग केस के नीचे की साइड में यहाँ पे आप सबको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो हमने सिंपल यहाँ पे टाइप सी केबल के साथ इसे कनेक्ट करना है और यहाँ पर जो हमारा LED लाइट है इसमें आप सबको ग्रीन लाइट स्टेबल हो जाएगा, तो यानी कि हमारा जो चार्जिंग केस है वो फुल चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर आप सबको एक रीसेट का बटन देखने को मिल जाते हैं जिससे आप ईयरबड को रीसेट कर पाओगे। और चार्ज करते टाइम आप सब इसके ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में रख के भी चार्ज कर सकते हो या आप इस ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकाल के भी इसको चार्ज कर सकते हो, यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जैसे चाहो वैसे आप इसको चार्ज कर सकते हो। और यूज़ करने के बाद जब आप इसके ईयरबड्स को वापस इसके चार्जिंग केस में रखते हो और रखने के बाद जब आप इसके चार्जिंग केस को बंद करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक चार्जिंग मोड पर आ जाता है और आपका जो ईयरबड है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं बोट निर्वाणा नेबुला ईयरबड्स को पेयर कैसे करते हैं। तो जब आप इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होके पेयरिंग मोड पे आ जाता है और अब आप इसे अपने किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ इसे इजीली कनेक्ट कर पाओगे। कनेक्ट करने के बाद जब आप इसके ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकाल के यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे और यूज़ करने के बाद जब आप इसके ईयरबड्स को वापस इसके चार्जिंग केस में रख देते हो और रखने के बाद जब आप इसके चार्जिंग केस को बंद करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होके चार्जिंग मोड पे आ जाता है और आपका जो ईयरबड है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं बोट निर्वाणा नेबुला ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सबको लेफ्ट साइड ईयरबड्स और राइट साइड ईयरबड्स के जो टच कंट्रोल के फीचर्स है वो थोड़े से डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके राइट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो सिंगल टच करने से आप म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो, डबल टच करने से आप म्यूज़िक को नेक्स्ट कर सकते हो एंड 2 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हो तो आप सब इसके ANC मोड को एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो इसमें भी आप सब सिंगल टच करने से आप म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो, डबल टच करने से म्यूज़िक को प्रीवियस कर सकते हो एंड 3 टाइम टच करने से आप सब इसके गेमिंग मोड को एनेबल और डिसेबल कर सकते हो एंड 4 टाइम टच करने से आप सब इसके वॉइस असिस्टेंट को एनेबल और डिसेबल कर सकते हो एंड इसमें अगर आप 2 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हो तो आप सब इसके इक्वलाइजर मोड यानी कि डॉल्बी ऑडियो और बोट सिग्नेचर साउंड को एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं कॉलिंग के टाइम में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड ईयरबड्स और राइट साइड ईयरबड्स का जो टच फीचर्स है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि सिंगल टच करने से आप कॉल को रिसीव कर सकते हो एंड डबल टच करने से आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सबको बोट निर्वाणा नेबुला ईयरबड्स से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।